ओके स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल को लोड करने के बेसिकली दो डिफरेंट तरीके हैं। पहला स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में हम जाते हैं और यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करते हैं। एक तरीका यह है कि आप एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका है स्टार्ट रन, और रन पे जाकर आप टाइप करते हैं एक्सेल, एंटर करते हैं, एक्सेल प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे टॉप पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, उसके बाद डिफरेंट मेन्यूज आ रहे हैं और डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। एक्चुअली 7 डिफरेंट मेन्यूज पर एक्सेल पूरा डिवाइड हुआ हुआ है, और इन 7 मेन्यूज के अंदर डिफरेंट चीजें या डिफरेंट टूल्स और ऑप्शंस हमें मिलते हैं। जैसे होम का मेन्यू, नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि बेसिक सारे टूल्स या बेसिक सारे ऑप्शंस जो है वो हमें होम के मेन्यू में मिलेंगे। लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसकी साइज बड़ी छोटी करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, बॉर्डर बनाना, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट चेंज करना, और इस तरह के बाकी तमाम टूल्स जो है वो हमें होम में मिल जाते हैं। जबकि इंसर्ट का मेन्यू, नाम से समझ में आता है कि कोई भी चीज जो है वो इंसर्ट करना, लाइक इमेज को इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, कुछ शेप्स अपनी मर्जी से ड्रॉ करके ड्रॉ करना, चार्ट्स इंसर्ट करना, कोई वर्ड आर्ट से रिलेट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना, तो सारी कमांड्स आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस वर्कशीट के अंदर। पेज लेआउट, आपके पेज से रिलेट तमाम इंफॉर्मेशंस और तमाम टूल्स उस मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। जबकि फाइनेंशियल फार्मूले, लॉजिकल फार्मूले और जितने मैथमेटिकल फंक्शंस, वो तमाम चीजें आपको इस फार्मूले के मेन्यू के अंदर मिलेंगी। डाटा के मेन्यू के अंदर आमतौर पर आपकी जो डेटाबेस यहां डिजाइन की जाती है, जैसे मार्कशीट हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं, उन तमाम को फिल्टर करना, उसकी मैनेजमेंट करना, अपनी मर्जी की रिकॉर्ड्स को कॉल करना, वो सारे काम इस डाटा के मेन्यू से होंगे। जबकि रिव्यू के मेन्यू के अंदर आमतौर पे कुछ कॉमन चीजें जैसे वर्कबुक को लॉक करना, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना, स्पेलिंग चेक करना वगैरह की कमांड्स इसमें मिल जाती हैं। व्यू के मेन्यू में एक्चुअली स्क्रीन का व्यू किस तरह से आपको नजर आएगा, ज्यादातर चीजें उनसे रिलेटेड यहां पर आपको मिलेंगी, लाइक स्क्रीन की जूम साइज, पोजीशन, फुल साइज पर देखना है, पेज लेआउट, एनवायरमेंट देखें, तो ये सारी चीजें आपको व्यू के मेन्यू में मिलती है। तो हम लोग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे मेन्यूज इसके डिस्कस करेंगे। होम के मेन्यू में आने के बाद ये जो सबसे पहली लाइन हमारे पास आ रही है, ये एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार में आपको ये पता चलता है कि आप एक्सेल के किस सेल पर मौजूद हैं। जैसे मेरे पास टॉप टू बॉटम ये जो लाइन्स चल रही हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और इन कॉलम्स के नाम एबीसीडी के अंदर हमें यहां नजर आ रहे हैं। जबकि लेफ्ट टू राइट जो लाइन्स चल रही हैं, इनको हम लोग रॉस कहते हैं, जिनके नंबर्स 1, 2, 3 के अंदर असाइन हुए हैं। एक्सेल में मूवमेंट करने के लिए कीबोर्ड में जो 4 एरो कीज हैं, आप उन एरो कीज को यूज करते हैं तो आप अपनी वर्कशीट के अंदर मूव कर सकते हैं, और जिस भी सेल के अंदर आप मूव करते हैं उस सेल का एड्रेस आपको यहां पर नजर आता है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त E6 पर मौजूद हूं, तो सेल एड्रेस E6 मुझे यहां नजर आ रहा है। अगर मैं किसी दूसरे सेल पर क्लिक करता हूं तो उसका एड्रेस मुझे यहां नजर आ रहा है G9। इसका मतलब है मैं कॉलम नंबर G और लाइन नंबर 9 पर मौजूद हूं। तो आप एक्सेल के जिस भी सेल के ऊपर मौजूद होंगे उस सेल का एड्रेस आपको यहां पर वो बताता रहेगा। मूवमेंट करने के लिए एक्चुअल में हम लोग एरो की यूज करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं या एंड ऑफ द शीट जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, एंड ऑफ द शीट हम पहुंच रहे हैं, आखिरी कॉलम पर हम आ गए हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करने से हम लोग पहले कॉलम पे आ गए। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करने से हम लोग पहले कॉलम पे आ गए, सॉरी आखिरी रॉ पर आ गए, और कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करने से हम लोग दोबारा पहली रॉ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप रॉज के दरमियान और कॉलम्स के दरमियान मूवमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट शीट्स मौजूद हैं। आमतौर पर जब आप एक्सेल 2007 को ओपन करते हैं तो इसमें 3 डिफॉल्ट शीट्स आपको नजर आती हैं। Sheet 1, Sheet 2 और Sheet 3 हमें यहां नजर आ रही है। अगर आप शॉर्टकट की के जरिए इनको मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज डाउन, मैं इस वक्त शीट 1 पे मौजूद हूं, कंट्रोल पेज डाउन करता हूं तो शीट 2 पर आ रहा है, कंट्रोल पेज डाउन करने से शीट 3 पे जा रहा है, और अगर कंट्रोल पेज अप करूंगा तो ये देखें शीट 3 से जंप करके शीट 2 पे आ रहा है, देन जंप करके शीट 1 पे आ रहा है। न्यू वर्कशीट्स इंसर्ट करने के लिए यहां पर इंसर्ट वर्कशीट,
और उसके शॉर्टकट है शिफ्ट F11। इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास न्यू वर्कशीट्स जो है वो इंसर्ट होती हैं, जितनी आपको वर्कशीट्स चाहिए।